सर ये वर्नियर स्केल क्या होता है? रुक समझाता हूँ। अच्छा मुझे बता, अगर तू कोई चीज को माप रहा था और उसका माप करते करते तू कहीं पर वैल्यू 10.2 और 10.3 के बीच में तेरा मेजरमेंट आ रहा है, अब तू उसे कैसे एक्यूरेट आंसर दे पाएगा? मुश्किल है ना तेरे लिए वो आंसर करना। तो मैं समझाता हूँ। देख, तो बहुत अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिनकी, जैसे अपनी मेन स्केल है, उसकी सिंपल सी ताकत इतनी है कि वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक मेजरमेंट दे पाएगा तुझे। इसके अलावा भी और भी डिवाइसेस होते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर, जो आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट तो आंसर दे देख, सकते हैं। वर्नियर कैलिपर ना कुछ इस ढंग से दिखता है। इसमें दो स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल जो बड़ी सी स्केल दिख रही है, और एक छोटी सी स्केल दिख रही है वो होती है अपनी वर्नियर स्केल। उस वर्नियर स्केल पे ना कुछ डिविजन्स किए हुए होते हैं, जनरली वो 10 डिविजन्स होते हैं। अभी अब देखो डायग्राम दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे हम 2 डिजिट तक मेजर कर पाते हैं। तो देख, किसी चीज़ का मैंने मेजरमेंट किया था और उसका वर्नियर स्केल का ग्राफ डायग्राम कुछ ऐसा बना, वो मैं बता दिया तेरे को। तो देख, तो वहाँ पे अगर तू ध्यान से ऑब्जर्व करे तो मेन स्केल के अंदर 4.3 की रीडिंग दिख रही है, मतलब 4.3 सेंटीमीटर दिख रहा है, और वहाँ पर ही वर्नियर स्केल के अंदर जो मेन स्केल के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है वो n=5 है, मतलब उस नंबर के डिवीजन पर मेन स्केल और वर्नियर स्केल कोइंसाइड हो रही है। दूसरा आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर सबसे कम से कम मेजरमेंट क्या कर सकता है, उसकी वैल्यू होती है 0.01 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला जो है इसका वो ये है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट। अब इसको फॉर्मूला में डाल, इसका आंसर आएगा 4.35। अब ध्यान से, मोर अमेजिंग वीडियो विल बी कम, फॉर दैट स्टे ट्यून एंड फॉलो माई चैनल।